नमस्कार, राइजर्स में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के सोनवाद के रास्ते में चापापुर वन कोलियरी में जमीन धंसने की जांच को लेकर आज निरसा एसडीपीओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही धसी हुई जमीन की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए वो ईसीएल मैनेजमेंट से बात करेंगे। यहाँ से चापापुर शुरू होता है, चापापुर वन वगैरह करके फिर चापापुर, ये पुराना खदान है, बहुत पुराना खदान, बंद पड़ा हुआ खदान है और इधर भी पूरा खाई है, फिर बीच में जमीन है, फिर उधर खाई है। पुराना कोयला निकाला गया है कोलेरी के माध्यम से। अभी इसके बहुत आगे उधर चापापुर में भी अभी माइनिंग चल रहा है। तो यहाँ हमें आके पता चला था कि धंसा हुआ है, तो देख रहे हैं कि हाँ ये ज़मीन धंसा हुआ है और बगल में पूरा माइनिंग हुआ है, बहुत पुराना माइनिंग हुआ है। यहाँ पर हम अभी जांच पड़ताल किए, लोगों से पूछताछ भी किए, तो किसी के दबे होने की कोई सूचना नहीं मिल रही है। आगे भी हम पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह का घटना है। तो ये बगल में खदान है, पुराना चला हुआ है, उस वजह से लगता है कि ये धंस गया होगा। और भी अगर कोई बातें हैं तो उसको हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के दबे होने की कोई सूचना नहीं मिली है, कहीं से ऐसा कोई जानकारी नहीं मिला है। सर, जिला प्रशासन से कोई बात हो रही क्या इस जो क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि रोड के बिल्कुल नज़दीक है, तो इसकी भराई या कुछ मरम्मती ऐसा कुछ आगे चल? हम लोग अभी तुरंत बात करेंगे इसके संबंध में, इसकी मरम्मती के बारे में, इसका जो भी उपाय हो भराई के बारे में, और ईसीएल से भी हम लोग बात करके इसको भराने का कार्रवाई करवाएंगे। गौरतलब है कि चापापुर वन कोलियरी क्षेत्र में बीते शुक्रवार को सोनबाद के रास्ते में जमीन धस गई थी, जिसमें कुछ लोगों ने इसमें हादसे की भी आशंका जताई थी। हालांकि पुलिस जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना था कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन के चलते ये घटना घटी है और अगर जल्द ही इस पर लगाम नहीं कसी गई तो किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। एआरआई न्यूज के लिए निरसा से पवन मोदी की रिपोर्ट।